वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दूसरी साड़ी ये है, दोनों साड़ियों को मैंने खोल कर देख लिया था और ये मैंने एक ही शॉप से ऑर्डर किया था, तो ये दोनों साड़ियाँ एक साथ आई थी। तो दूसरी साड़ी ये, इस साड़ी को मैंने इसका ब्लाउज देखकर खरीदा था। ये इसका ब्लाउज वहाँ इतना इंटरेस्टिंग दिख रहा था, तो मैंने इसका ब्लाउज देखकर खरीदा, सोचा देखते हैं सस्ती साड़ियाँ और सुंदर सा ब्लाउज कैसा आता है। आप भी देखें, ये इसका ब्लाउज देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। अब प्लेन साड़ी इसीलिए मैंने इसे खरीदा, देखते हैं। पहले साड़ी को देखते हैं। साड़ी ये मतलब उन्होंने तो ऐसे बोला कि कॉटन की साड़ी है, लेकिन ये मेरे को प्योर कॉटन नहीं लगता है, ये सिल्क और कुछ मिक्स टाइप है, थोड़े ऐसे ऐसे रफ हार्ड टाइप होता है ना साड़ी, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। प्योर कॉटन होता तो वो तो मैं पहचानती हूँ, तो वो नहीं है, पर ये भी ठीक है। रेट के अकॉर्डिंग बहुत सुंदर है, तो मेरे को इतनी अच्छी आई दोनों साड़ियाँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ दोनों साड़ियों के साथ। तो इसमें ना इन्होंने इस तरह से दे रखा है, ये दिख रहा ना, ये जरी लाइनिंग है, ये पेंट नहीं है, इन्होंने पूरा इसमें वर्क किया हुआ है। ये आगे पीछे दोनों जरी का वर्क है, खोलते हैं इसको पूरी। इसका कोई आंचल नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही तरह की पूरी ऑल ओवर साड़ी है। सो आप कहीं से भी इसको आंचल बना ले, आपकी मर्जी है। ये है, ये एक तरफ का और ये दूसरी तरफ का, दोनों तरफ इन्होंने इस तरह से जरी बॉर्डर दिया हुआ है, स्मार्ट लगेगा पहनने से पूरी साड़ी, बाकी तो ऐसी प्लेन है। ये साड़ी मैंने बताई ना, वो जो पहले मल्टी कलर वाली साड़ी थी उससे इन दोनों को मैंने मापा था, तो ये साड़ी काफी लंबी है, इसका लेंथ और विड्थ दोनों उस साड़ी से बड़ा है, तो या तो ये साड़ी बड़ी है या तो वो साड़ी छोटी है, ऐसा कुछ है। पर ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, मैंने कितने में ली है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लेना वहां से कितने के पर। बहुत सस्ती ली है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, हर कोई खरीद सकता है और कहीं भी आप पहन सकते हैं, ये कितना सिंपल साड़ी है इस तरह से। और मैं इसको मैंने सोचा है कि अभी से मैं रेडी करूंगी और तैयार होने के बाद नवरात्रों में या दुर्गा पूजा घूमने जाऊंगी अगर होता है तो, कोरोना के बाद तो हुआ नहीं 2-3 साल से, अगर इस साल होता है तो मैं एक दिन इसको पहन के जाऊंगी। अब बात करते हैं इसके ब्लाउज का, ये का फ्रंट बैक, ये फ्रंट का है, इस तरह से रहेगा, है ना इंटरेस्टिंग, जैसे इन्होंने इसमें मेंशन किया था ना। आप फोटो कहाँ गया, जैसे इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है ना, वर्क बिल्कुल वैसे ही आया है। और इसमें ना एक दूसरा कलर भी है, एक वाइन कलर है और एक ये ग्रीन थी, तो मैंने सोचा ग्रीन मंगाते हैं क्योंकि वाइन कलर और मरून मेरे पास कई सारे हो गए हैं, लेकिन इतनी अच्छी आई ना, मेरे को ऐसा लग रहा कि शायद मैं किसी दिन वो भी वाइन कलर भी ले लूंगी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे रहेगा सामने, और ये इन्होंने एक स्लीव दे रखा है इसमें, इस तरह से पीस पीस दिया है, ये फ्रंट और एक स्लीव इसमें, और बैक इन्होंने प्लेन दिया हुआ है। बैक में भी अगर वो देते ना वर्क देते तो मजा ही आ जाता, पर बैक में भी वर्क देने से तो फिर शायद रेंज इसकी हाई हो जाती। और दूसरी तरफ इन्होंने एक फैब्रिक दे रखा है, तो ये बैक बनेगा,
बैक और ये दूसरी स्लीव, काफी खूबसूरत लग रहा। मैं तो इन्हें अभी तैयार करूंगी और दुर्गा पूजा में देखते पहनने के लिए। ये बनाकर पहनूंगी फिर दिखाऊंगी। ब्लाउज ना, ये जो वर्क है ब्लाउज में वर्क है, ये जरी थ्रेड होता है ना, जरी थ्रेड और रेशम थ्रेड का वर्क है, और बीच बीच में इन्होंने इस तरह सीक्वेंस दे रखा है जो काफी शाइन कर रहा। खूबसूरत है, बन के खूबसूरत लगेंगे। सो मिलते हैं फिर बाद में, जब इनको तैयार करेंगे उसके बाद पहन के दिखाऊंगी।